बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के तुरंत बाद कश्मीर दौरा करेंगे। खबर यह आ रही है कि बीजेपी अध्यक्ष का ये दौरा विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर होगा। 3 दिनों में वो अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे और इस दौरे के बाद 2 दिन का जम्मू दौरा भी होगा उनका। बड़ी खबर, कश्मीर के कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे अमित शाह। कश्मीर दौरे के बाद अमित शाह का 2 दिन का जम्मू दौरा भी है। सदस्यता अभियान में भी हिस्सा लेंगे अमित शाह। कश्मीर दौरे के बाद शाह का 2 दिन का जम्मू का दौरा भी रहेगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री भी अमित शाह। संसद सत्र के तुरंत बाद उनका ये दौरा होगा जो कि प्लानिंग की गई है। बोलोमी शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित शाह के इस दौरे पर। बोलोमी शाह, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई है, क्या प्लानिंग है बीजेपी की? ये बीजेपी की जो सदस्यता अभियान जो चला रहे हैं उस वजह से अमित शाह जाएंगे कश्मीर। कश्मीर की घाटी में वो 3 दिन बिताएंगे और फिर जम्मू जाएंगे जहाँ पे वो 2 दिन बिताएंगे। ये बाकी सारे स्टेट्स जहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, हर जगह अमित शाह जाएंगे मेंबरशिप ड्राइव के लिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की यात्रा में वो 2 दिन भी रहेंगे। तो कश्मीर उनका जाने का जो प्रोग्राम है ये पार्लियामेंट सेशन के खत्म होने के बाद है। पार्लियामेंट सेशन 7 अगस्त को खत्म होता है, पर अभी काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल भी मंडे को पार्लियामेंट में आना है। तो अमित शाह इस दौरान अगले हफ्ते दिल्ली में ही रहेंगे, उसके बाद उनके कश्मीर जाने का प्रोग्राम बन रहा है सदस्यता अभियान के लिए। सदस्यता अभियान के लिए अमित शाह जाएंगे कश्मीर, 3 दिन वहां का दौरा और फिर उसके बाद जम्मू में भी रहेंगे। शुक्रिया बोलोमी, नजर बनाए रखिये।